नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं बीएससी से। आज के इस लेक्चर में ईजी यूनिट्स बताऊंगा कौन कौन सी ईजी यूनिट्स है और सब्जेक्ट होंगे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और तीनों ईयर के होंगे, तीनों सालों के सब्जेक्ट होंगे बीएससी में जो कि ईजी यूनिट्स होती है वो बताऊँगा मैं। सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स में है उसका मैं ईजी यूनिट्स बताऊँगा, पहले पेपर नंबर फर्स्ट की है। तो बुक आपके लगती है निर्देश तंत्र, यांत्रिकी तथा दोलन, उसमें यूनिट फर्स्ट है निर्देश तंत्र, यूनिट सेकंड है अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत, और यूनिट फिफ्थ है युग्मित, अवमंदित एवं चालित दोलक। ये तीन यूनिट एकदम इजी है, तो आप लोग इन तीन को कर सकते हो और ये तीन ही चैप्टर है इसमें। अब पेपर सेकंड में आपकी बुक लगती है गणितीय पृष्ठभूमि, द्रव्य के गुणधर्म तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट है जो कि है गणितीय पृष्ठभूमि, अदिश व सदिश व आंशिक अवकलन। यूनिट नंबर सेकंड है प्रत्यास्था। यूनिट नंबर फोर्थ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा मैक्सवेल समीकरण। तो ये तीन चैप्टर और ये तीन यूनिट भी हो जाएगी, तो ये एकदम इजी है। अब बुक स्थिर विद्युत की धारा विद्युत तथा चुंबक, तो ये पेपर नंबर थर्ड में लगती है, उसमें आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है स्थिर विद्युत की, यूनिट नंबर सेकेंड में चैप्टर नंबर सेकेंड आता है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, और यूनिट नंबर फिफ्थ में आता है चैप्टर नंबर फिफ्थ विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण। तो ये आसान है आपके फिजिक्स में, तो ये बता दी। और इन सभी के नोट्स से ये जितने भी मैं आपको ईजी यूनिट्स बताऊंगा इन सभी के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं अपन बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में। तो बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के लिए ईजी यूनिट्स कौन सी है, पेपर नंबर फर्स्ट में देखिए। पेपर नंबर फर्स्ट में आपके यूनिट नंबर थर्ड है ऊष्मागतिकी के नियम, यूनिट नंबर फोर्थ ऊष्मागतिकी संबंध, और यूनिट नंबर फिफ्थ है कृष्णिका। पेपर नंबर सेकंड में देखिए यूनिट नंबर थर्ड है मैक्सवेल, यूनिट नंबर फर्स्ट है वास्तविक गैस, और यूनिट नंबर फिफ्थ है शोर एवं ध्वनि। पेपर नंबर थर्ड में आओगे तो उसमें होगा यूनिट नंबर थर्ड है व्यतिकरण, यूनिट नंबर फोर्थ है विवर्तन, यूनिट नंबर फर्स्ट है ज्यामितीय प्रकाशिकी। अब बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की बारी, तो उसके उसमें फिजिक्स में आपके पेपर नंबर फर्स्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट है क्वांटम सिद्धांत की उत्पत्ति, यूनिट नंबर सेकंड है श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी, यूनिट नंबर फोर्थ है बद्ध अवस्था। पेपर नंबर सेकंड में आपके आएगी यूनिट नंबर फर्स्ट रदरफोर्ड, यूनिट नंबर सेकंड नाभिकीय विखंडन, और यूनिट नंबर फिफ्थ है। पेपर नंबर थर्ड में देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट है परिपथ विश्लेषण, यूनिट नंबर सेकंड अर्धचालक, और यूनिट नंबर थर्ड है ट्रांजिस्टर। तो ये जी यूनिट्स है, इनको आप लोग पेपर के लिए तैयार कर सकते हो। अब मैथ्स की बारी, फिजिक्स का कर लिया, अब मैथ्स देखिए। मैथ्स में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में देखिए, सबसे पहले मैथ्स में पेपर नंबर फर्स्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड है मैट्रिक्स बुक की है। पेपर नंबर टू में यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये तीनों आप लोग कर सकते हो अवकलन गणित की बुक में से है। पेपर नंबर थर्ड में यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड है सदिश कलन बुक में से। ये सभी चैप्टर मैंने करवा रखे हैं और इनके नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में मैथ्स में देखिए पेपर नंबर फर्स्ट में आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हो जो कि उस कलन बुक से है, और पेपर नंबर सेकंड में आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ है। तो ये पांच यूनिट है, एकदम आसान है, ये पांचों कर सकते हो आप लोग, ये पांचों कर सकते हो, जिसमें से कि पहली दूसरी तीसरी यूनिट अवकलन समीकरण में और चौथी और पांचवी आंशिक अवकल समीकरण में। अगर ये पांच आपने यूनिट कर ली पेपर नंबर सेकंड में, तो पेपर थर्ड में आप लोग एक यूनिट भी कर सकते हो। अगर आपने यूनिट नंबर आपने पेपर नंबर सेकंड में यूनिट फर्स्ट और सेकंड सिर्फ दो यूनिटें की हैं, तो आपको पेपर नंबर थर्ड में करनी पड़ेगी तीन यूनिट। तो तीन वो कौन सी करनी पड़ेगी, यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर फोर्थ करनी पड़ेगी आपको पेपर नंबर थर्ड में। तो ये दोनों बुक में से है, फर्स्ट और सेकंड है स्थिति विज्ञान की और फोर्थ यूनिट है इसकी गति विज्ञान की। अब बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के मैथ्स, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में देखिए मैथ्स में पेपर नंबर फर्स्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड और यूनिट नंबर फिफ्थ ये कर सकते हो आप लोग। फर्स्ट और सेकंड है यूनिट है वो वलय सिद्धांत से है, और यूनिट नंबर फिफ्थ है वो रैखिक बीजावली से है। पेपर नंबर थर्ड में आप लोग पाँच यूनिट कर सकते हो क्योंकि ये सबसे इजी बुक है। अगर पांच नहीं करने चाहते हो तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट कर सकते हो जो कि संख्यात्मक विश्लेषण बुक में से है। अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट की है तो आप लोगों को पेपर नंबर सेकंड में फोर्थ और फिफ्थ यूनिट करनी होगी उसकी। अगर ये पांच यूनिट की है तो पेपर नंबर सेकंड में आप लोग एक यूनिट भी कर सकते हो।
तो पेपर नंबर सेकंड में आपको यूनिट नंबर फोर्थ और फिफ्थ करनी होगी। अगर आप लोगों ने इसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट तीन यूनिट किए तो इसमें से आप लोग दो यूनिट कर सकते हो। अगर इसमें से आप लोगों ने पाँच यूनिट किए तो इसमें से आप लोग एक यूनिट कर सकते हो, जो कि समीकरण विश्लेषण बुक में है। अब नेक्स्ट अपना केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में देखिए बीसी पार्ट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में देखिए पेपर नंबर फर्स्ट आप लोगों के लगता है, तो उसमें आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट आयनिक बंद कर सकते हो, यूनिट नंबर सेकंड सेस योजी बंद, और यूनिट नंबर फिफ्थ रेडियो एक्टिवता कर सकते हो। ये तीन ही यूनिट आए। और पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट रासायनिक क्रिया और यूनिट नंबर सेकंड त्रिविम रसायन, दो यूनिट कर सकते हो। और पेपर नंबर थर्ड में आप लोग कर सकते हो यूनिट नंबर फर्स्ट गैसीय अवस्था, यूनिट नंबर सेकंड द्रव अवस्था, यूनिट नंबर थर्ड ठोस अवस्था। अब बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के लिए केमिस्ट्री में आप लोगों के पेपर नंबर फर्स्ट में यूनिट नंबर फिफ्थ, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर थर्ड, ये तीन इजी यूनिट्स हैं बाकी पांच के अलावा। पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड और फिफ्थ में से दोनों एक एक कर सकते हो आप लोग, यूनिट नंबर थर्ड और फिफ्थ में से एक कर सकते हो। अब पेपर थर्ड देखिए यूनिट नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कर सकते हो इसमें से। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के केमिस्ट्री में पेपर नंबर फर्स्ट में आप लोग यूनिट कर सकते हो फर्स्ट फिफ्थ और फोर्थ यूनिट। पेपर नंबर सेकंड में आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ कर सकते हो, और पेपर नंबर थर्ड में आप लोग फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ यूनिट कर सकते हो। तो ये यूनिट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। इन सभी के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हो। और ये इजी नीड्स है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।